अगर आपने भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और एक फेसबुक पेज बनाया है और उस पर आप अपने रील्स को अपलोड करना चाहते हैं, अपनी वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो पोस्ट मैं फेसबुक पर करूं वो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट हो और जो पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पर करूं वो इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक पर भी पोस्ट हो, यानी जो दोनों अकाउंट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, लिंक हो जाएं। अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई रील अपलोड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपके फेसबुक अकाउंट में भी शो करे, या अगर आप कोई फेसबुक में कोई फोटो वगैरह डाल लेते हैं तो वो फोटो आपका इंस्टाग्राम में भी शो करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कैसे आप इस तरह से दोनों में शेयरिंग हो इस तरह से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं टैगल पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हम आ चुके हैं अपने इंस्टाग्राम में, यहां हमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहां से रैंडम सा कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, जैसे कि ये फोटो है, मैं इसको यहां पे ले लेता हूं। उसके बाद यहां नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, वापस से यहां पे नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहां ओके कर दूंगा। तो आप यहां पे देखेंगे ऑल्सो पोस्ट टू फेसबुक और नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉर फिलिक्स और यहां पर ये इनेबल है। मैं यहां से एक बार इसको बैक करके एक बार रील में आपको दिखा देता हूं। यहां पे हम रील में आ जाएंगे। रील में आने के बाद मैं इसको यहां पे क्लिक कर दूंगा मैं इस तरह से, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहां से जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे शेयर टू फेसबुक और शेयरिंग एज फॉर फिलिक्स ऑडियंस इज पब्लिक, इस तरह से यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कोई भी इस तरह की पोस्ट यहां पर करेंगे तो ये हमारे इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारे फेसबुक पर भी जाएगा, हमारे फेसबुक पर भी शो करेगा। वो भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। मैं यहां से बैक करता हूं, मानकर चलिए यही है, मैं यहां पे इसको नेक्स्ट कर दूंगा और यहां पे इसको बस मैं यहां पे हाई लिख के और यहां पे इसको शेयर कर देता हूं। शेयर करने के बाद यहां पे शेयरिंग टू रील्स दिखा रहा है। मैं यहां से आऊंगा और यहां से इसको स्क्रॉल करूंगा। अगर आपने अभी तक जो है इंस्टाग्राम पर फॉर फ्लिक्स को फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो करके रख लीजिए आप। मैं यहां पर रिफ्रेश कर देता हूं तो यहां पे देखिए हमारा ये वाला आ चुका है और यहां से मैं हट जाता हूं, आ जाऊंगा यहां से फेसबुक में। यहां से मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं यहां से आऊंगा फॉर फ्लिक्स में, तो मैं फॉर फ्लिक्स पर क्लिक कर देता हूं। फॉर फ्लिक्स पे क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे आ चुका है। जस्ट नाउ में आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फेसबुक से कुछ पोस्ट करें, जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा राइट समथिंग न्यू पे, उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स पे डन कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं या कोई फोटो वगैरह मैं यहाँ पे अलाउ एक्सेस करके यहाँ पे अलाउ करके उसके बाद अलाउ करके यहाँ से कुछ भी मैं ले लेता हूँ, एक रैंडम सा फोटो, ये फोटो मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए ये ऑन वाला एक बटन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है, हमारा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ चुका है के फॉर न्यूमेरिक में, उसके बाद फॉर फिलिक्स। तो ये क्या होगा कि अगर मैं यहां पे कुछ भी इस तरह का पोस्ट करूंगा ना वो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट होगा। तो पहले मैंने हाय लिखा था, अब मैं आई एम लिखकर यहां से इसको पोस्ट कर देता हूं। जैसे मैंने पोस्ट पर क्लिक किया तो यहां से हमारा ये पोस्टिंग में भी शो कर रहा है। उसके बाद मैं यहां पे आपको इंस्टाग्राम में दिखा देता हूं, पहले तो यहीं पे होगा ना फाइनल, तो ये फाइनल हो चुका है, यहां पे आ गया है जस्ट नाउ और ये आई एम दिखा रहा है। इसके अलावा मैं यहां पे आ जाता हूं वापस से इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में आने के बाद मैं यहां पे आऊंगा और उसके बाद मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पे देखिए यहां पे भी आ रहा है लिखा हुआ आई एम। तो इस तरह से दोस्तों आप फेसबुक से भी अगर कोई पोस्ट या रील्स वगैरह को शेयर करेंगे ना तो वो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर जाएगा, इंस्टाग्राम पर करेंगे तो इंस्टाग्राम के साथ साथ वो फेसबुक पर भी जाएगा। अब ये होगा कैसे उसको जान लेते हैं। इसके लिए आपको आना है यहां पर थ्री डॉट में। थ्री डॉट में आने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में क्लिक करना है, फिर आपको यहां से स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग एंड रिमिक्स का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको अपना एक फेसबुक अकाउंट दिख रहा होगा, हमारा फॉर फ्लिक्स है वो इनेबल है। ये आपको तब दिखेगा जब आप अकाउंट सेंटर में जाके इसको ऐड करेंगे, वो बता देता हूं कैसे करना है। यहां से बैक आना है आपको, बैक आने के बाद में आपको सिंपली यहां आना है और अकाउंट सेंटर पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रोफाइल्स में आना है।
प्रोफाइल्स के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस का, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रोफाइल्स में दो ऑप्शन मिलेंगे, हमारे यहाँ पे फोर फ्लिक्स ऊपर इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखा रहा है, नीचे हमारा यहाँ पर राशिद हुसैन करके एक दूसरा फेसबुक अकाउंट दिखा रहा है। यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट नहीं शो करेगा, आपको यहाँ से मैनुअली करना पड़ेगा। आप एड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, एड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी लॉग इन आई डी पासवर्ड वगैरह जो है वो डालेंगे और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर जो है लिंक हो जाएगा। अकाउंट ऐड करने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहां पर आपको फेसबुक स्टोरी को इनेबल करना है, फेसबुक पोस्ट को इनेबल करना है। यहां पर शेयर फ्रो में हमारा फेसबुक अकाउंट आ रहा है और शेयर टू में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है। बैक करते हैं, इंस्टाग्राम पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको शेयर फ्रॉम में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट दिखेगा और शेयर टू में हमारा फोर फ्लिक्स का जो पेज है वो आपको शो कर रहा है, जो हमारा अकाउंट है फेसबुक का वो शो कर रहा है। अगर आप पेज पर काम कर रहे हैं तो पेज को सिलेक्ट करें यहां से, अगर आपका अकाउंट है फेसबुक का और आपने उसको गो टू प्रोफेशनल मोड में इनेबल कर रखा है तो फिर आप यहां पे अकाउंट को सेटअप कर लें। उसके बाद आपको यहां ऑटोमेटिकली शेयर में आना है और यहां शेयर स्टोरी पर क्लिक करना है, पोस्ट पर क्लिक करना है, रील्स को इनेबल करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। जब इस तरह से आप सेटअप कर लेंगे तो फिर अगर आप कोई भी चीज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे तो वो आपके फेसबुक पेज पर भी आएगी और अगर आप फेसबुक पेज पर पोस्ट करेंगे तो फिर वो आपके इंस्टाग्राम पर भी जाएगी। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।